एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ थियोले विटामिन सी सीरम का फुल रिव्यू एंड डेमो। एंड ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये मैंने इससे पहले भी यूज किया हुआ है। इसका जब फर्स्ट टाइम विटामिन सी सीरम लॉन्च हुआ था, तब उसके अकॉर्डिंग अभी वाला जो विटामिन सी सीरम है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होके इन लोगों ने लॉन्च किया है, लाइक इम्प्रूव करके इन लोगों ने लॉन्च किया है। एंड अभी वाले विटामिन सी सीरम जो कि न्यू लॉन्च हुआ है, उसके लिए डिटेल देख लेते हैं कि ये वर्थ इट है कि नहीं है, एंड स्किन के लिए कितना अच्छा है या नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट हम इसकी पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं। इसकी पैकेजिंग आपको इस तरह के कार्डबोर्ड पैक में मिलता है, जो कि एक व्हाइट कलर के कार्डबोर्ड पैक में है। सो इसमें है विटामिन सी 20%, विटामिन ई, जोजोबा ऑयल, हाइलुरोनिक एसिड। एंड ये जो सीरम है गाइस, ये प्रोफेशनल फेशियल सीरम है। प्रोफेशनल फेशियल सीरम बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर आप उनकी प्राइसिंग देखेंगे तो 5000 से अबाउ, लाइक 10000 तक भी इसकी प्राइस कभी कभी चली जाती है। सो अगर बात करो इसकी प्राइस की, तो ये है 2499 रुपीज। बट रिसेंटली इसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, अभी आई थिंक 1900 में आपको मिल जाएगा। एंड अमेजोन फ्लिपकार्ट की भी मैं प्राइसिंग जो है लाइक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके भी इसकी चेकआउट कर सकते हैं। अभी इसकी प्राइस बहुत ज्यादा लो है, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है 30 ml प्रोडक्ट, एंड इसकी शेल्फ लाइफ है, इसमें आपको 2 साल यूज करने के लिए मिल जाते हैं, तो आप इजिली इसे यूज कर सकते हैं। 30 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है, तो इजिली आप इसे आराम से खत्म कर पाएंगे अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। तो इस सीरम में हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैराबेन, सिलिकेट, आर्टिफिशियल कलर, फ्रेग्रेंस एंड एसिलेस, ये सारी चीजें इसमें ऐड नहीं की गई, जो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। सो अभी मैं इसकी पैकेजिंग ओपन करके आपको बता देती हूँ इसमें जो है एक्चुअल प्रोडक्ट आपको कैसा रिसीव होता है। एक्चुअल जो पैकेजिंग है आपको इस तरीके के छोटे से आपको ग्लास बॉटल में मिलता है। सीरम्स अगर ग्लास बॉटल में हो तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। एंड ये पंप पैकेजिंग है, जो कि इजी टू कन्वीनियंट है। इससे पहले जो पैकेजिंग थी वो ड्रॉपर में आती थी, तो वो भी अच्छा था यूज करने के लिए, बट पंप पैकेजिंग बहुत ज्यादा इजी रहता है। डायरेक्टली जो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको पंप करके, या आप अपने क्लीन हैंड्स में लेके भी इसे यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एंड इसमें कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया गया जो आपके स्किन के लिए अच्छा ना हो। एंड इसकी बात मुझे अच्छी ये लगी है कि इसमें इंग्रेडिएंट का जो वर्क है, जो भी इसमें प्रोडक्ट यूज किया गया है उसका जो वर्क है वो भी लिखा गया है कि आपकी स्किन के लिए वो क्या वर्क करता है। सो इसमें यूज किया गया हाइलुरोनिक एसिड, इसमें यूज किया गया विटामिन ई, एंड प्लस यूज किया गया विटामिन सी, जोजोबा ऑयल, एंड यूज किया गया आमंड एक्सट्रैक्ट, शिया बटर, व्हीट ग्राम ऑयल एंड लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, जो हमारे स्किन टोन को लाइट करता है, स्किन के डार्क स्पॉट को रिमूव करने में हेल्प करता है। अंडर आई जो अगर आपको रिंकल हो गई है या अंडर आई आपको डार्क सर्कल हो गई है उसको रिमूव करता है। एंड आपकी स्किन अगर एजिंग साइड पे जा रही है तो उसको भी ये हटाने में हेल्प करता है, लाइक कम करने में हेल्प करता है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो ये ऑलराउंडर सीरम है जो आपकी स्किन की हर एक प्रॉब्लम के लिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा पिंपल प्रोन है तो उसको भी ये लाइटन एंड हटाने में हेल्प करता है। एंड दाग धब्बे हो जाते हैं पिंपल्स के, अगर पिंपल्स भी हटा दे कोई प्रोडक्ट, पर दाग धब्बे हटाने में बहुत मुश्किल होती है, बट ये आपकी स्किन को लाइट करने के साथ साथ आपके स्पॉट्स को भी हटाने में हेल्प करता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, पिंपल प्रोन है, ड्राई स्किन है, हर स्किन टोन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आप बहुत अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। मैं इसकी बहुत अच्छी बात बता देती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी गाइस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसकी कंसिस्टेंसी एक जेल एंड वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, जब आप इसे लेते हैं, थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ, जब इसे आप लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है। एंड इसको लाइक जब हम मसाज करते हैं ना, बहुत ही वॉटरी सा हो जाता है एंड बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड स्किन पूरा मैट हो जाती है। समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट है, आप इसे विंटर्स में भी यूज कर सकते हैं। एंड इसकी फ्रेग्रेंस की बात करो, बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही ज्यादा माइल्ड, बॉदर नहीं करेगी बिल्कुल भी आपको। ऑयली, एक्ने प्रोन, ड्राई, हर स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसके टेक्सचर की वजह से मुझे ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि मुझे वो हैवी सीरम्स अच्छे नहीं लगते जो ऑयली कर देते हैं, ये बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं देता है। आपने शायद देखा भी है, मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप आपको क्लोजअप में बताई है, जो बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अमेजिंग है, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी वाली जितनी भी सीरम्स होती है मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड समर्स, विंटर, हर टाइम आप उसे यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आपको इसको कैसे यूज करना है। इसे यूज करने के लिए आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद आप टोनर अप्लाई कर लीजिए। टोनर जब आपका 90% ड्राई हो जाए, उसके बाद आपको इसके थोड़े से पंप लेने हैं, लाइक 2 से 3 पंप आपको लेना है। उसके बाद अपने फेस पे अच्छे से डैप कर लीजिए, हर एरिया पे आपको डैप करना है, उसके बाद अच्छे से मसाज करनी है।
मसाज करेंगे थोड़े टाइम में ये अब्सॉर्ब हो जाता है, बहुत ही क्विक अब्सॉर्ब हो जाता है एंड बिल्कुल भी आपको स्टिकी या बिल्कुल भी ऑयली फीलिंग नहीं देता है। बहुत ही फिनिशिंग अच्छी रहती है स्किन की एंड स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही ज्यादा प्लम्पी नजर आती है। इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूं इसे आप कब कब यूज कर सकते हैं। सीरम्स आप कभी भी यूज कर सकते हैं एंड ये वाला सीरम आप कभी भी यूज कर सकते हैं। वैसे कोई भी सीरम आप कभी भी यूज कर सकते हैं अंडर मेकअप या स्किन केयर से पहले, कभी भी करना चाहे आप कर सकते हैं दिन में रात में। विटामिन सी वाली जो चीजें होती हैं अगर आप दिन में यूज कर रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है, क्योंकि ये क्या है ना सन के जब कांटेक्ट में आता है तो ये ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। इसीलिए हम इसको कभी भी धूप में ना रखें या कभी भी हम बोलते हैं कि विटामिन सी वाली चीजें आप इस तरीके से बाहर मत रखिए, आपको हमेशा थोड़ा सा डार्क प्लेस पे रखना चाहिए उसको ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। इसीलिए ये चीज ध्यान रखिए कभी भी आप दिन में लगा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन वो भी अच्छा वाला क्वालिटी का अच्छा वाला सनस्क्रीन आपको लगाना चाहिए जो कि 50 PA++ UVA वाला होता है, वो आप लगाइए। इसके बाद मैं इसे नाइट में यूज करती हूँ। अगर नाइट में आप यूज करते हैं तो आप फेस वॉश करने के बाद टोनर देन ये सीरम अप्लाई कीजिए और उसके बाद आप अपना नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए दिन में लगा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन मस्त लगाना है। बहुत सारे सीरम्स होते हैं जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके स्किन में ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसे 3 से 4 वीक से यूज करी, मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्लस मेरी जो स्किन में बहुत ज्यादा स्पॉट है वो भी बहुत ज्यादा हद तक लाइट हो गए हैं एंड मेरी स्किन में जितने भी पिंपल्स भी थे ना वो भी बहुत हद तक दब गए हैं। लाइक बिल्कुल भी आपकी स्किन को हार्म नहीं पहुंचाता है सीरम्स। बहुत सारे मैंने भी फील किए हैं, बहुत सारे सीरम्स आपको पिंपल्स आ जाते हैं, कभी कभी ऑयली वाला लगा लेते हैं या स्किन बहुत ज्यादा अजीब सी हो जाती है, बट इसके साथ आपको ऐसा फील नहीं होगा। बहुत ही लाइट टेक्सचर है एंड स्किन में बहुत अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरी तरफ से थम्स अप है एंड मैं आपको बिल्कुल इसको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसे जरूर से एक बार ट्राई कीजिए। कोई भी स्किन टाइप हो बहुत अच्छा है, टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है, आपकी स्किन में आपको बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। एजिंग अगर आपकी बहुत ज्यादा है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, झाइयां है या आपके डार्क स्पॉट है या बहुत ज्यादा स्किन डल हो चुकी है, बहुत बार ऐसा होता है कि पसीने की वजह से भी आप जा रहे हैं बाहर, वैसे भी सनटैन भी बहुत हो जाती है, तो ये सनटैन को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप चेकअप करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी एंड अभी ये डिस्काउंटेड ऑफर में मिल रहा है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। ऐसे वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।